हमने स्टार्ट की थी, ठीक है, दो वीक सीरीज थी। जैसे कल हमने सूरत और सोनीपत के बारे में डिस्कस की है। वॉइस क्लियर है ना बेटा मेरी? ओके सो अब हम्पी, सूरत और मसूलीपट्टनम के बारे में जो हमने डिस्कस किया अभी तक, अब ये तीनों ही क्या है, डिफरेंट, इनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है ना। हम्पी में जब हमने डिस्कस किया, हम्पी कहाँ पे लोकेटेड है, कृष्णा तुंगभद्रा रिवर बेसिन में, ठीक है, मतलब कृष्णा तुंगभद्रा दोनों रिवर्स के बीच वाला जो प्लेन एरिया है वो प्लेन एरिया, ठीक है, वहां पर ये हम्पी जो है ये सिचुएटेड है। और कौन से एम्पायर का ये कैपिटल थी, कौन से एम्पायर की, विजयनगर एम्पायर की कैपिटल। और ये यहाँ पे बहुत ही वेल फोर्टिफाइड था। मेन यहाँ पे हमने बात की किसकी, यहाँ के आर्किटेक्चर की, कि हम्पी में जो आर्किटेक्चर था बहुत ही स्प्लेंडेड था, ठीक है, वहां पे वेल फोर्टिफाइड सिटी था, सब तरफ फोर्टिफिकेशन की थी। फोर्टिफिकेशन मींस किलाबंदी जो की होती है ना, और कोई वहां पे मोर्टार सीमेंट यूज नहीं था, तो बहुत ही अच्छी एक दूसरे को इंटरलॉकिंग टेक्निक से उनको बनाया गया था, फोर्टिफिकेशन की गई थी। और ये जो आर्किटेक्चर था बहुत ही डिस्टिंक्टिव था, जितनी यहाँ रॉयल कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग्स हो गई या फिर जो उसमें आर्क्स यूज की, डॉम्स यूज किए है ना, वो सारी पिलर्ड हॉल, और हॉल ही में इसके बीच में वर्ड है एक नाइश, NICHES है ना, दीवार के बीच में जैसे कुछ रखने के लिए जगह बनाई थी। अभी जैसे आपकी वॉल है ना, और वॉल के बीच में क्या है, थोड़ी सी स्पेस बना दी है हमने, अभी तो यहाँ पे विंडोज लगाई है ना, विंडोज की जगह अब हम वैसे ही स्पेस थोड़ी सी बना देते कि कुछ रख सके हम इसमें, है ना। जैसे यहाँ पे ये बनाई है, ये तो थोड़ी दीवार से बाहर है ना, अगर दीवार के बीच में ही हम बना दें सेंटर में, वहां पे हम कोई मूर्ति रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की दीवार के बीच में नाइस रखी गई थी फॉर होल्डिंग स्कल्पचर, उनके बीच में स्कल्पचर रख सके, पिलर हॉल थे, ठीक है। तो पूरा वेल प्लान्ड वहां पर क्या था, आर्किटेक्चर था, ठीक है। रॉयल पैलेसेस थे, बिल्डिंग्स थी, ऑर्कर्ड्स गार्डन भी बने हुए थे, फ्रूट गार्डन, ठीक है, प्लेयर गार्डन, एंटरटेनमेंट के लिए दोनों तरह के गार्डन थे। कौन से, हाँ, कैसे, जैसे दो उन्होंने स्टोन यूज कर लिए है ना, जैसे ये दो स्टोन यहाँ प्लेस किए, फिर ये दो स्टोन यहाँ प्लेस कर दिए है ना, इंटरलॉकिंग टेक्निक्स यूज कर ली, जिसमें कि उन्होंने मोर्टार सीमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, पूरी की पूरी वॉल तैयार कर दी ऐसे, ठीक है। और इस तरह अब उनका जो आर्किटेक्चर हो गया वेल प्लान्ड हो गया। अब इसमें आर्किटेक्चर में हमें क्या क्या मिल गए, वहां पे आर्क्स, डोम्स, रॉयल बिल्डिंग्स, ठीक है, गार्डन्स, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे डिफरेंट स्प्लेंडेड आर्किटेक्चर, वो वेल फोर्टिफिकेशन जो हमें मिलती है फोर्टिफाइड सिटी की, ठीक है, वहां पे स्कल्पचर मोटिव्स जो हमें मिलते हैं वो भी उन गार्डन्स में बने हुए हैं। तो इस तरह जो हम्पी था यहाँ पे आर्किटेक्चर भी बहुत बढ़िया था, और ये एक बहुत बढ़िया कमर्शियल सेंटर भी था, ठीक है, कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज भी बहुत थी यहाँ पे। कमर्शियल किससे रिलेटेड होगी, ट्रेड से, है ना, कमर्शियल मींस दे आर रिलेटेड टू ट्रेड एंड जो भी सेल परचेज वहां पे हो रही है, कमर्शियल एंड कल्चरल। कल्चरल मींस जो सेलिब्रेशंस वगैरह के साथ रिलेटेड हो गई, तो दोनों ही तरह की एक्टिविटीज यहाँ पे हम्पी में हमें देखने को मिलती हैं। फिर इसमें हमने बात की एक और टेम्पल, टेम्पल कौन से टेम्पल की बात की इसमें हमने, यस, टेम्पल है वीरूपक्ष टेम्पल, ठीक है, वीरूपक्ष टेम्पल। और वीरूपक्ष टेम्पल में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है वो है महानवमी या नवरात्रि, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं। तो ये टेम्पल्स भी क्या होते थे, हब ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज का हब होते थे, है ना, ये हम पहले भी कर चुके हैं, टेम्पल्स में बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी। और यहाँ पे कौन सा फेस्टिवल यहाँ का फेमस हो गया, महानवमी, ठीक है। तो महानवमी फेस्टिवल्स ऑफ वीरूपक्ष टेम्पल विच इज ऑल्सो नोन एज नवरात्रे, है ना, इन साउथ वहां पे बोला जाता था। तो इस तरह हम्पी में यहाँ का आर्किटेक्चर वो बहुत स्प्लेंडेड है, कई तरह की यहाँ कमर्शियल कल्चरल एक्टिविटीज भी थी, बहुत ही, मतलब हम कह सकते हैं कि
ये एक डेवलप्ड सिटी था, ठीक है, विजयनगर एम्पायर की कैपिटल भी थी, यहाँ के फेस्टिवल्स भी बहुत ज्यादा फेमस थे। और उस फेस्टिवल में जो किंग था, उसी महानवमी फेस्टिवल्स में रिसीव्ड गिफ्ट वगैरह भी रिसीव करता था, और जो उसके सुबॉर्डिनेट होते थे वो उसके लिए ट्रिब्यूट मतलब कोई भी गिफ्ट लेके आए अपनी मर्जी से, ठीक है, तो वो उनके लिए ट्रिब्यूट गिफ्ट लेके आ सकते। वहां पर डांस म्यूजिक की परफॉर्मेंस होती थी, तो ये सारी चीजें इन फेस्टिवल्स में होती थी। लेकिन लास्ट में हम्पी रियून में कब बदल गया? When Hampi fell into ruin? हाँ जी, when who attacked? Deccan Sultan, ठीक है, Deccan Sultan, Deccan Sultan मतलब जो साउथ इंडिया में, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर आपके मैप में भी बना हुआ है ना, यहाँ पे नीचे हम्पी यहाँ पे लोकेटेड है ना, तो ये सारा विजयनगर एम्पायर है, ऊपर यहाँ पे जो सारे हैं वो कौन से हैं? डेक्कन एरिया। तो यहाँ पे जितने भी डेक्कनी अलग अलग सुल्तान थे, ठीक है, कौन कौन से सुल्तान थे डिफरेंट, गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार, बिदार, ये सारे एरियाज अलग अलग रूलर्स थे, ठीक है। तो धीरे धीरे इन्होंने विजयनगर के एरियाज पे इस हम्पी के ऊपर कंट्रोल कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट सूरत। तो सूरत में हमने स्पेशल क्या डिस्कस किया, सूरत भी कौन सा टाउन है? ट्रेडिंग टाउन है ना। हम्पी कौन सा टाउन हो गया? टेम्पल टाउन भी है, कैपिटल टाउन भी है ना। फिर सूरत, अब सूरत क्या है? ट्रेडिंग टाउन। मैनी ट्रेडर्स वर विजिटिंग हियर, क्यों विजिट करते थे? क्यों करते थे? बिकॉज इट वॉज अ गेटवे टू, गेटवे किसको था? फर्स्ट गेटवे टू वेस्ट एशिया। पहले तो अगर हमने वेस्ट एशिया जाना है तो ये सबसे इजी रूट पड़ता था, जो सी रूट है, अगर यहां से हमने जाना है तो सी रूट क्या है, ये इजी है। दूसरा किसके लिए गेटवे है? मक्का बीसी साइड है ना, तो दिस इज आल्सो गेटवे टू मक्का, ठीक है, मक्का के लिए भी गेटवे हो गया। देन और यहाँ पे क्या था? देन डिफरेंट ट्रेडर्स, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है ना, कि यहाँ अलग अलग तरह के कास्ट क्रीड के लोग यहाँ रहते थे, और फैक्ट्रीज वेयर हाउसेस थे यहाँ पे बहुत सारे, है ना, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे फैक्ट्रीज वेयर हाउसेस बनाए हुए थे, कॉस्मोपॉलिटन सिटी हो गया, ठीक है। देन और यहाँ पे क्या थी? रिटेल, होलसेल शॉप, यस हरमन, वेयर यू हैव नोटेड डाउन द पॉइंट्स, सो फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेस थे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे रिटेल और होलसेल शॉप्स भी थी। वेयर हाउसेस मतलब स्टोर हाउसेस, जो भी प्रोडक्शन में कहीं से कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे स्टोर करके रख लिया है, जितना हमें ऑर्डर मिलेगा उतना हम यहाँ से लेके नेक्स्ट आगे ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से सूरत पोर्ट टाउन भी है ना, तो अलग वेस्ट एशिया के साथ हमने ट्रेड करना है, तो उस ट्रेड के लिए हमें जितना ऑर्डर मिलेगा इस वेयर हाउसेस से हम इतना वो ऑर्डर लेंगे और वहां पे हम सेंड कर देंगे, ठीक है। तो फैक्ट्रीज भी वहीं पे है, स्टोर हाउसेस भी वहीं पे है, ठीक है, ये चीजें भी हो गई। देन रिटेल एंड होलसेल शॉप्स, दोनों तरह की शॉप्स है वहां पे, अगर किसी विजिटर ने रिटेल करना है तो वो भी परचेज कर सकता है, होलसेल परचेज करना है वो भी कर सकता है। और यहाँ पे क्या थे? रेस्ट हाउसेस, ठीक है, अलग अलग ट्रेडर्स के लिए रेस्ट हाउसेस बनाए गए थे, अम्यूजमेंट पार्क्स बनाए गए थे, यस रेस्ट हाउसेस है, और कई तरह के अम्यूजमेंट पार्क्स हो गए, मैग्निफिशेंट पार्क्स हो गए। और यहाँ पे क्या थी सूरत में खास बात? यहाँ पे बैंकिंग, यस बैंकिंग हाउसेस थे, बैंकिंग हाउसेस कौन प्रोवाइड कर रहे थे? काठियावाड़ सेठ और महाजन। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या हो गया हमारा? बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग हाउसेस। तो यहाँ पे बैंकिंग हाउसेस है, उनकी क्या फेमस थी वहां पे वेस्ट एशियाज में? हुंडी, ठीक है, हुंडी क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, नोट रिकॉर्डिंग है, दैट वन हैज मेड अ डिपॉजिट, इतना इस पर्सन ने इस दूसरे पर्सन के साथ डिपॉजिट कर दिया है, तो उसके पास ये रिकॉर्ड है डिपॉजिट का, है ना, मैंने आपको पैसे दिए, मेरे पास क्या रिकॉर्ड है? तो वो रिकॉर्ड क्या है? ये हुंडी, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट में। क्लियर हो गया। अब सूरत भी बहुत फेमस है, ट्रेडिंग टाउन है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन सूरत ऑल्सो फेल इन टू डिक्लाइन। और सूरत कब डिक्लाइन हो गया? व्हेन द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ
तो सूरत का भी साथ ही में डिक्लाइन हो गया। और इसी साथ साथ में जो डिफरेंट कंपनीज थी, यूरोपियन कंपनीज, यूरोपियन कौन सी कंपनीज आ रही थी, ट्रेडिंग कंपनीज, अलग अलग नाम, सबके साथ ईस्ट इंडिया लगा हुआ था, है ना, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारी ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने बनाई हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बनाई थी, ये भी मैंने बताया था, इंडिया ईस्ट में है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने बनाई थी। तो धीरे धीरे ये सूरत जो था मुगल एम्पायर के साथ डिक्लाइन हुआ और कंपनीज ने अपना जो कंट्रोल था इसके ऊपर धीरे धीरे एस्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात की, ठीक है, मसौलीपट्टनम की। तो मसौलीपट्टनम का मीनिंग क्या है, मसौलीपट्टनम यहाँ पे SUL है ना, मसौलीपट्टनम यहाँ पे फिश पोर्ट टाउन, ठीक है, मसौलीपट्टनम का मीनिंग क्या हो गया, फिश पोर्ट टाउन। और यहाँ पे मेन ये भी ट्रेडिंग टाउन है, डिफरेंट ट्रेड, ट्रेड किस किस चीज का हो रहा था यहाँ पे, किस किस चीज का ट्रेड हो रहा था, टेक्सटाइल, स्पाइसेस, है ना, टेक्सटाइल, स्पाइसेस, इन सबका ट्रेड हो रहा था। और इन सबके ट्रेड के साथ साथ यहाँ पे क्या थे, डिफरेंट ट्रेडिंग, ट्रेड करने के लिए कंपटीशन बहुत था, किसमें कंपटीशन था, डिफरेंट ट्रेडिंग ग्रुप्स थे, ट्रेडिंग ग्रुप्स बहुत सारे थे, है ना, कौन कौन से ट्रेडिंग ग्रुप्स है यहाँ पे, गोलकोंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, ठीक है, देन तेलुगु कमार, तेलुगु कमाती, चैतीस, यूरोपियन ट्रेडर्स, यूरोपियन ट्रेडर्स में डच इंग्लिश आ गए, है ना, साथ ही में यहाँ पे जो यहाँ के रूलर्स थे कुतुब शाही रूलर्स, ठीक है, वो रूलर्स भी यहीं पे थे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, डिफरेंट ट्रेडिंग ग्रुप्स, ट्रेड के लिए क्या है, डिफरेंट चीजें हैं, टेक्सटाइल है, स्पाइसेस हैं, और भी अलग चीजें थी, ठीक है, एंड डिफरेंट अदर आइटम्स, वो भी साथ ही में हो गई, डिफरेंट ट्रेडिंग ग्रुप्स हो गए। और उन ट्रेडिंग ग्रुप के बीच में क्या था, कंपटीशन चलता रहता था, ठीक है। और यहाँ पे 1686 में किसने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया, डिफरेंट ट्रेडिंग ग्रुप थे उनके बीच में कंपटीशन था, लेकिन लास्ट में 1686-87 में किसने कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया यहाँ पे, औरंगजेब, मुगल एम्परर ने, ठीक है, मुगल्स ने कर लिया। देन उसके बाद जो मसौलीपट्टनम की हम कह रहे हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंस इसमें, क्योंकि पहले यहाँ पे बहुत कंपटीशन है, बहुत ट्रेडिंग ग्रुप्स है यहाँ पे, तो धीरे धीरे मुगल्स का यहाँ पे कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया, तो बाकी ट्रेडिंग ग्रुप्स का यहाँ पे जो रोल था वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। सो अब जैसे हम बात करते हैं कि न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लिश की ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले यहाँ पे कौन कौन सी थी, डच और इंग्लिश, ठीक है, तो डच और इंग्लिश में से ज्यादातर कौन थी फेमस, मतलब ज्यादा किसका कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, उसका ज्यादा कंट्रोल हो गया, बाद में रूल भी उन्होंने ही किया था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, तो इंडिया का कैसे, मतलब कि रूल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों लिखा था, क्योंकि अगर हम पूरे वर्ल्ड मैप पे देखो, जैसे ये पूरा वर्ल्ड मैप है, तो वर्ल्ड मैप में ईस्ट डायरेक्शन किस साइड है, ईस्ट साइड है ना, और यूरोप किस साइड है, ईस्ट साइड, तो उन्होंने ईस्ट की तरफ जाने के लिए अपनी कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, ठीक है, वो डायरेक्शन की तरफ से बनाई। अब यहाँ पे डिफरेंट ट्रेडिंग ग्रुप्स है, उनके बीच में कंपटीशन है, मुगल्स ने एस्टैब्लिश कर लिया अपना कंट्रोल, ठीक है, देन उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने अपना थोड़ा सा क्या कर लिया, चेंज कर लिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, क्लियर है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने अपनी न्यू पॉलिसी बनाई, न्यू पॉलिसी क्या, कि वो अब सिर्फ मसौलीपट्टनम में ही अपना ज्यादा कंट्रोल एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, दे मूव टू अदर प्लेसेस, कौन कौन से प्लेसेस पे मूव किए वो, बॉम्बे, कैलकटा एंड मद्रास, ठीक है, तो मसौलीपट्टनम में ज्यादा उन्होंने और ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ोगे कि क्यों कैसे, ठीक है, तो उसके बाद वो यहां से किधर मूव कर गए, बॉम्बे, कैलकटा, मद्रास, ठीक है, बॉम्बे, मद्रास, कैलकटा, क्लियर, ठीक है, किधर किधर मूव कर गए, बीएमसी, है ना, उसके बाद
मुसौलीपट्टनम की भी बाद में क्या हो गई, इसकी जो प्रोस्पेरिटी, इसकी जो भी सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, उसके बाद जैसे सूरत की तो आज भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन मुसौलीपट्टनम इसकी आज को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, पहले क्या था, सिर्फ फिशिंग टाउन, एक फिशिंग टाउन था, धीरे धीरे काफी ट्रेडिंग ग्रुप्स आ गए, लेकिन बाद में वो भी डिक्लाइन हो गया। क्लियर, ये तीनों टाउन क्लियर हो गए? हाँ जी, इंडिया, ईस्ट इंग्लिश, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारी थी, लेकिन यहाँ पे ज्यादा कंट्रोल इन एरियाज में मूव कौन किया, अभी हम नेक्स्ट इन एरियाज के बारे में पढ़ेंगे। डिलीटेड, यस, डिलैपिडेटेड मतलब रूइंड हो गया, ये डिस्ट्रॉयड हो गया सिटी, है ना, कि आजकल ये ज्यादा प्रॉस्परस नहीं है, आज आज ये सिटी जो है हमें ज्यादा, ये नहीं कि जैसे पहले प्रॉस्परस था, बहुत डिवेलप था, तो इतना डिवेलप नहीं है। ठीक है, लेटर ऑन इट इज मोरली रूइंड कंडीशन, जैसे हम्पी भी रूइंड कंडीशन में मिलता है हमें, है ना, हम्पी भी रूइंड कंडीशन में मिल रहा है, रूइंस मिल रहे हैं हमें, सेम विद दिस। क्लियर हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है, न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। ठीक है, कि कई नए टाउन्स और बन रहे थे, नए टाउन्स और ट्रेडर्स। यस, अपने मैप में देखो बेटा, सीनियर मैप, ये स्टार्टिंग में भी पहले मैंने आपको बोला था, ये मैप आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, मैप में देखो सूरत कौन से स्टेट में है, सूरत कौन से स्टेट में है, उसके बाद हम्पी कौन से स्टेट में है, यस, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में लग रहा है, क्योंकि स्टेट बने नहीं हुए यहाँ पे, है ना, यस, कर्नाटका और मुसौलीपट्टनम कौन से स्टेट में है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे स्टेट विजिबल नहीं हो रहे, लेकिन आपको आपके माइंड में तो है ना, यहाँ पे स्टेट्स बने नहीं, लेकिन आपको तो पता है ना स्टेट्स कहाँ पे है इंडिया के। ठीक है, अब ये इनको ध्यान में रखना है। उसके बाद अब बॉम्बे, कैलकटा, मद्रास, वो भी देख लो, बॉम्बे कहाँ पे है, कौन से स्टेट में, महाराष्ट्र, कैलकटा कौन से स्टेट में, वेस्ट बंगाल, और उसके बाद थर्ड अभी हमने किसकी बात की, बीएमसी, मद्रास, मद्रास कहाँ पे है, इन तमिलनाडु। क्लियर, तीनों स्टेट्स की लोकेशन देख ली, तीनों ये सिटीज हैं, स्टेट्स नहीं, ठीक है, बॉम्बे, कैलकटा एंड मद्रास। तो अब हम इसकी बात करेंगे, कुतुबशाही रूलर्स इस एरिया के रूलर्स थे, जो मुसौलीपट्टनम के ऊपर जिनका किंग थे वहां के, है ना, ये तो डिफरेंट ट्रेडिंग कंपनीज यूरोप से आई थी ना। क्लियर, उसके बाद अब जो न्यू ट्रेडर्स और टाउन्स, जैसे कि हमने बात की कि डिफरेंट कंपनीज आ रही थी, यूरोपियन कंपनीज, कौन कौन सी कंपनीज, इंग्लिश, डच, फ्रेंच, ठीक है, डिफरेंट कंपनीज आ रही थी जिन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनीज बनाई थी ट्रेड करने के लिए। अब उनको स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंपटीशन भी फेस करना पड़ा, कंपटीशन किन्होंने दिया, इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल गफार और वीरजी वोरा, ठीक है, इन दोनों ने इनको कंपटीशन दिया। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। ठीक है, कि अब और नए टाउन और ट्रेडर्स डेवलप हो रहे हैं इन डिफरेंट ट्रेडिंग ग्रुप्स जो कि यूरोपियन कंपनीज आए हैं। कौन कौन सी यूरोपियन कंपनीज आई हैं, पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच एंड ईस्ट इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश और ब्रिटेन। ठीक है, तो ये सारी डिफरेंट कंपनीज आई, इन्होंने क्या बनाई, सभी ने अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, सभी ने अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनीज बनाई, क्यों बनाई, ट्रेड करने के लिए, अपनी एक्सपेंशन, और किस चीज का वो ट्रेड करती थी, टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस। टेक्सटाइल में कॉटन भी हो गया, वुलन भी हो गया, सिल्क भी हो गया, हर तरह का टेक्सटाइल, ठीक है, और स्पाइसेस में डिफरेंट स्पाइसेस। यस, हाँ जी, क्या मतलब है पीडीएफ का, ठीक है, इंग्लिश मीन्स ब्रिटेन से लोग आए थे, क्लियर, यस, उसके बाद क्या है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी। सो
अब ये हो गया कि डिफरेंट न्यू कंपनीज आ रही हैं, न्यू ट्रेडिंग यहाँ पे कंपनीज आके ट्रेड कर रही हैं। यहाँ इंग्लिश जो हम कह रहे हैं कि इंडियन ट्रेडर्स थे, उन्होंने भी स्टार्टिंग में उनको कंपटीशन देने की कोशिश की। ठीक है, कौन कौन से इंडियन कंपटीटर थे? मुल्ला अब्दुल गफार और वीरजी वोरा। ठीक है, इन्होंने स्टार्टिंग में तो कंपटीशन देने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, ये जो यूरोपियन कंपनीज थी ये ज्यादा, हम कह सकते हैं कि ज्यादा पावरफुल थी। ठीक है, और कैसे पावरफुल बन गई ये भी हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ये है, अब ये समझ लो कि ये ज्यादा पावरफुल बन गई और जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनको इन्होंने फोर्स करना शुरू कर दिया और वो इनके क्या बन गए, सिर्फ एज ए एजेंट। ठीक है, दे बिकम जस्ट एन एजेंट इन कंपनीज ने, और जो इंडियन ट्रेडर्स थे वो क्या बन गए, इनके एजेंट्स बन गए मोस्टली। ठीक है, अब यहाँ पे डिमांड किस चीज की इंक्रीज हो रही है, टेक्सटाइल्स की और स्पाइसेस की। ठीक है, अब टेक्सटाइल की डिमांड इंक्रीज हो रही है, टेक्सटाइल की डिमांड इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हो रहा है, डिफरेंट जो क्राफ्ट स्किल एक्टिविटीज हैं वो भी इंक्रीज हो रही है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ क्राफ्ट। ठीक है, कौन कौन सा ट्रेड डेवलप हो रहा था, एक्सपेंशन ऑफ क्राफ्ट। अब कौन से क्राफ्ट की बात की हमने, टेक्सटाइल, वीविंग, स्पिनिंग, डाइंग। ठीक है, जो इसके साथ जुड़े हुए हैं वो सारी चीजें, एक्सपेंशन ऑफ क्राफ्ट में क्या क्या चीजें हो गई, इसमें वीविंग भी हो गया, देन स्पिनिंग भी हो गया, क्योंकि अलग अलग पर्सन अलग अलग काम में परफेक्ट होता था, स्किल्ड होता था, तो उसकी एक अपनी स्किल डेवलप हो रही थी, स्पिनिंग, डाइंग। ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज। हाँ जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? यस बोथ ऑफ यू, हाँ जी, आगे भी मैंने आपको दो तीन बार देखा लेकिन आप स्टिल यू हैव इग्नोर्ड दैट एंड कॉन्टिन्यूसली आई डोंट थिंक वट एवर यू आर डिस्कसिंग। क्लियर, एक्सपेंशन ऑफ क्राफ्ट हो रहा है। अब एक्सपेंशन ऑफ क्राफ्ट में जैसे हमने स्टार्टिंग में थंजावर टाउन के बारे में भी डिस्कस किया था, वहां पे भी हमने क्राफ्ट पर्सन की बात की थी, कि वो भी कौन से क्राफ्ट पर्सन की बात की थी, वहां पे भी वीवर कम्युनिटी थी। यस, अलैयार्स, वीवर कम्युनिटी। ठीक है, और वो टेम्पल्स के लिए, राजा, रॉयल फैमिलीज के लिए, ऑर्डिनरी लोगों के लिए, सबके लिए क्लोथ बना रही थी, टेक्सटाइल बना रही थी, वो भी क्राफ्ट पर्सन थे। ठीक है, और यहाँ पर भी क्राफ्ट पर्सन की डेवलपमेंट हो रही है। इधर ये क्वेश्चन भी है आपको बैक एक्सरसाइज में कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि जो क्राफ्ट पर्सन हमने पहले पढ़े थे और ये जो अब क्राफ्ट पर्सन आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक्सपेंशन ऑफ क्राफ्ट हो रहा है। थंजावर में भी क्राफ्ट पर्सन जो क्राफ्ट था वो काफी एक्सपेंड था। थंजावर में क्या था, वहां पे जो वीवर्स थे वो रॉयल फैमिलीज, ऑर्डिनरी के लिए और टेम्पल्स के लिए फ्लैग, मतलब सब कुछ बना रहे थे बहुत ही, और इतनी कम्युनिटी डेवलप थी, कई बार वो डोनेशंस भी देती थी टेम्पल्स के लिए, है ना, टेम्पल की कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशंस भी देती थी, और वो इंडिपेंडेंट थे, वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, वो अपनी मर्जी से बना रहे थे, जितना उनको ऑर्डर आता था उतना बनाते थे, उसमें कोई, वो इंडिपेंडेंट थे। अब यहाँ पर क्या चीज हो गई, एक्सपेंशन तो हुआ क्राफ्ट का, जैसे कि हमने बात की इंडियन ट्रेडर्स क्या बन गए थे, एजेंट्स। ठीक है, एक्सपेंशन हुआ, सारी एक्टिविटीज डेवलप हुई, लेकिन जो क्राफ्ट पर्सन थे उनकी इंडिपेंडेंस जो थी वो कम हो गई। ठीक है, जो क्राफ्ट पर्सन थे उनकी इंडिपेंडेंस जो थी वो कम हो गई, देयर वाज डिक्लाइन ऑफ देयर इंडिपेंडेंस। अब उनकी इंडिपेंडेंस कम क्यों हुई, क्योंकि अब ये जो कंपनीज आ रही है, डिफरेंट कंपनीज जो आ रही है, ये कंपनीज क्या दे रही है, उन्हें ऑर्डर्स दे रही है। ठीक है, कि ये हमारे जो भी वहां का ऑर्डर वो लेके आ रहे हैं, तो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको तैयार करना है, सेम इसी तरह की इतने पीसेस, इसी क्लोथ के, टेक्सटाइल के इतने पीस हमें चाहिए, कोई वैरायटी नहीं, सेम। ठीक है, तो उनको ऑर्डर दे दिया गया और उस ऑर्डर में दे आर नाउ वर्किंग ऑन द सिस्टम ऑफ एडवांस। ठीक है, उनको पहले एडवांस भी दे दिया गया कि ये आपका एडवांस है और ये ऑर्डर आपने तैयार करके रखना है। तो अब उसमें उनकी इंडिपेंडेंस जो थी वो कम हो गई, क्योंकि अब जो उनको ऑर्डर मिला है उसी को उन्होंने फॉलो करना है, सेम उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने चीजें तैयार करनी है। क्लियर, कोई डाउट यहां तक? ये तो मेनली जो कंपनीज इनको ऑर्डर दे रही हैं वो बना रहे हैं। ठीक है,
इस टाइम पीरियड में जब डिफरेंट कंपनीज यहाँ पे आ चुकी हैं, वो पहले हमने किसकी बात की, सिर्फ थंजावर टाउन की, कि थंजावर टाउन में जो क्राफ्ट पर्सन थे वो यहाँ तक कि टेम्पल्स के लिए डोनेशन भी देते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे जो क्राफ्ट पर्सन डिवेलप हो रहे हैं वो क्या क्यों डिवेलप हो रहे हैं, अब वो अलग अलग, ये जरूरी नहीं है कि वो मतलब डिवेलपमेंट हो रही है तो क्राफ्ट पर्सन की डिवेलपमेंट नहीं हो रही, उनकी भी एक्टिविटीज डिवेलप हो रही हैं, ये स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, ये सारी चीजें बहुत डिवेलप हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्राफ्ट पर्सन है उनकी इंडिपेंडेंस कम हो गई है। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, और उसमें कोई डाउट? हाँ जी, क्या है बेटा? हाँ जी, क्या है बेटा ये पीडीएफ? पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच एंड इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिशमैन। और लास्ट में ज्यादा पावरफुल कौन सी कंपनी थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यहाँ पे भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की थी हमने, कि उनकी न्यू पॉलिसी थी कि वो अब पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरली सारा रूल करेंगे। ठीक है, कि सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, मतलब पॉलिटिकली भी रूल करेंगे, जैसे किंग रूल करता है। अब इसके बाद ये हो गया न्यू टाउन्स, कि इस तरह डिफरेंट न्यू टाउन्स भी डिवेलप हो रहे थे। उन टाउन्स में हम बात करेंगे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास की। ठीक है, कि वहां पर नए क्राफ्ट पर्सन, क्योंकि वहां पे नई फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, नए वहां पे ये सारी स्किल्स डिवेलप हो रही हैं, तो वहां पे अलग अलग क्राफ्ट पर्सन जाके क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट और क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे इसके। ठीक है, लास्ट पॉइंट है ये ब्लैक टाउन, ये और क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर सभी पॉइंट्स क्लियर है सभी को? हाँ जी बेटा, ये डिफरेंट हमने कंट्रीज के लिए यूज किया है। ठीक है, जैसे कोई पुर्तगाल से आया है पोर्टुगीज, ठीक है, पोर्टुगीज, और कोई फ्रांस से आया है फ्रेंच, कोई डच से आया है तो वो डच ही, कोई ब्रिटेन से आया है तो वो इंग्लिश, और उन्होंने कंपनी कौन सी, सभी ने अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश की है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट हम कल रिवाइज करेंगे।